नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 3 BHK फ्लैट लेके आए हैं, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ में बहुत ही बढ़िया फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी। टॉप से नीचे वाला फ्लोर है, टॉप मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टिल्ट में पार्किंग है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो ये थर्ड फ्लोर है हमारा। और जो साइज़ है प्रॉपर्टी का वो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर यार्ड्स पे बना हुआ है। 3 BHK है, बहुत ही बड़े बड़े रूम साइज़ है और बहुत ही अच्छा लिविंग हॉल है, स्पेशियस लिविंग हॉल है। इस प्रॉपर्टी को एंड तक देखिए, शायद आपके मन में कोई सवाल रह जाए, वरना मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। अगर आपके मन में स्टिल कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स को डाल के पूछ लीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे, नंबर्स नीचे, आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी पार्किंग जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। पार्किंग का स्पेस काफ़ी अच्छा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आराम से लग जाती हैं और गेट भी जो है हमारे काफ़ी चौड़े हैं। बीच में आपको स्टेयरकेस मिलता है ऊपर जाने के लिए और एंड टू एंड मतलब काफ़ी बड़ा प्लॉट है, लगभग 200 गज का प्लॉट है ये। और इधर आते हैं तो यहाँ पे डेडिकेटेड 2 व्हीलर्स हैं हमारे, ये हमारा मोटर्स का सेक्शन हो जाता है। और यहाँ से चलते हैं हम अपनी फ्लोर के ऊपर, आ जाइए। ये लिफ्ट लेकर आते हैं हम अपने फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे मिलते हैं हमें 3 फ्लैट्स, सामने की ओर एक 3 BHK, ये वाला छोटा सा स्टेयरकेस लेना है, 4 स्टेप्स ऊपर जाते हैं तो पीछे की ओर 2 2 BHK फ्लैट्स हैं। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है और इस तरफ काफ़ी अच्छा वॉकिंग स्पेस मिलता है हमें हमारे फ्लैट के बाहर, और शू रैक भी इंस्टॉल्ड है। यहाँ से अंदर आते हैं, इस पॉइंट पे खड़े होके आपको मैं बता देता हूँ लेआउट। सबसे बढ़िया पॉइंट यही है इस पूरी प्रॉपर्टी का लेआउट बताने का। लिविंग हॉल में हम खड़े हैं और यहाँ से सामने की ओर आपको किचन दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा हमारा कॉमन वॉशरूम, फिर हमारा बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। सामने की ओर काफ़ी बड़ी हमें बालकनी मिल जाती है और इस लिविंग हॉल का जो स्पेस है, यानी कि जो इसके डायमेंशंस हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये प्रॉपर्टी 15 फीट की लंबाई के साथ मिलती है। चौड़ाई देखते हैं आप किसकी, तो ये आपको मिलेगी कंप्लीट 10 फीट। तो ये इसका डायमेंशन है, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। इतने बड़े साइज़ के लिविंग हॉल्स अब नहीं बनते हैं, अब मतलब लिटरली नहीं बनते, और बनते हैं तो फिर उनका प्राइस जाता है सीधा 70 लाख 75 लाख रुपये की आस्किंग प्राइस रख के चल रहे हैं वो। ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे फॉल सीलिंग कोवकंसी लाइट्स का काम है। सामने की ओर आप देखते हैं तो यहाँ पे टीवी पैनल मिल जाएगा आपको, उधर की ओर शाफ्ट मिल जाएगी। आगे आते हैं हल्का, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं। किचन इज सुपर्ब, वेंटिलेशन वाइज आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको काम मिलता है। इसका एल शेप में बनी हुई है और नीचे वुडन वर्क मिलता है, ओवरहेड स्टोरेज, सामने की ओर वेंटिलेशन, इधर चिमनी एंड ऑल इंस्टॉल मिलेगा। इधर से आप देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी के वॉशरूम को। अब आप खुद देखिए, इतनी बड़ी जो वॉशरूम है, यानी कि ऐसे अगर आप देखते हैं लंबाई इसकी, तो करीब 8 फीट के आसपास है। चौड़ाई आप इसकी देखते हैं तो ये आपको मिलती है करीब 4 फीट के आसपास। वेस्टर्न सीट और हाथ धोने का स्पेस, सामने की ओर शाफ्ट मिलती है वेंटिलेशन के लिए। एक अच्छा और बड़ा साइज है कॉमन वॉशरूम के चलते भी। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 आ जाता है। बेडरूम नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस मिल रहा है ये 12 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस मिल रहा है वो 11 फीट है। तो 11x12 का बेडरूम नंबर 1, सामने की ओर वार्डरोब्स, इधर की ओर शाफ्ट, ऊपर की ओर कोव कंसील लाइट्स, यहाँ पे एसी की फिटिंग्स लगी हुई हैं अगर आप एसी यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं स्प्लिट वाला। तो आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में, ये इस प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि जहाँ पे बालकनी एक्सेसिबल है वही अपना मास्टर बेडरूम है। तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया नेचुरल लाइट मिलती है रूम में। साइज ऑफ दीज ऐसे करके देखते हैं तो 12 फीट और ऐसे करके देखते हैं तो कंप्लीट 12 फीट। तो 12x12 का रूम है, काफ़ी बढ़िया और बड़ा रूम है। इतने बड़े बड़े रूम वाले 3 BHK यू नो इट नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अपने को स्लाइडर के साथ में ये मिल जाता है वार्डरोब और बहुत बड़ी विंडो। प्लस इधर की ओर आते हैं तो ये हमारा बालकनी है। जी हाँ, आ जाइए आ जाइए। यहाँ से आप ये पूरी जो लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं इस बालकनी की, बहुत ही बढ़िया। सामने कबूतर जाली एंड ऑल, ताकि कबूतर आपके इस प्रॉपर्टी के अंदर पर ना मार सकें। पीछे की ओर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सारा का सारा वॉशिंग मशीन का अरेंजमेंट है वो किया जा सकता है। यहाँ से लेके चलते हैं आपको फाइनली हमारे बेडरूम नंबर 3 में।
यहाँ से आ जाते हैं आप आपके बेडरूम नंबर 3 में। इस बेडरूम के अंदर जो हमें स्पेस मिलता है, स्पेस तो काफ़ी अच्छा है ही, स्पेस के साथ में आपको इसमें अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। चौड़ाई देखते हैं तो ये हमें मिलती है लगभग वही 11 फीट के आसपास, और ऐसे अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है संपूर्ण 12 के आसपास। और यहाँ पे आपको वार्डरूम मिलेगा और एक अटैच वॉशरूम स्पेस मिलता है, ये आपको मिल जाता है 6 फीट बाय 4 फीट के स्पेस में। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कंप्लीट प्रॉपर्टी जो आपने देखी। इसके अंदर हमें लिफ्ट मिल जाती है, कार पार्किंग मिल जाती है, फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी होने के कारण वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, आसपास में आपको बाजार, स्कूल्स और जितना भी आप ग्रॉसरी का सामान लेना चाहते हैं सब कुछ आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाएगा। इस लोकेशन को बोलते हैं मोहन गार्डन उत्तम नगर। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं तो ये बढ़िया रेडी टू मूव कंडीशन के अंदर प्रॉपर्टी है, सेमी फर्निश्ड कंडीशन में। प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया और नंबर्स नीचे हैं। यहाँ से द्वारका मोड़ मेट्रो की डिस्टेंस है वो 1.6 to 1.8 किलोमीटर्स के आसपास है। अगर आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल कीजिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर रहने का एक्सपीरियंस आप रह के बताएंगे कि आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो जैसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।